पुलिस हिरासत में हुई बलवंत की मौत पर मृतक बलवंत की पत्नी की चिट्ठी पर संज्ञान लेकर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव पहुंचकर मृतक की तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांग को सरकार से पूरा करने की बात कही। अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता सिटिंग जज या सीबीआई के माध्यम से जांच और पीड़िता की पत्नी शालिनी को सरकारी नौकरी देने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। कहा कि सरकार पुलिस हिरासत में मौतों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इन मौतों पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। पुलिस का वही चेहरा है और पुलिस के इस चेहरे को आखिर बनाया किसने है। वहीं अखिलेश यादव ने मृतक बलवंत के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण में आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी और न्याय दिलाने की बात भी कही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह चर्चा भी करेंगे। और हम बात करें पीड़ित परिवार की, तो पीड़ित परिवार में मृतक बलवंत के चाचा ने साफ तौर से कहा है कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया है और बहुत जल्द उनके द्वारा किए गए प्रयास से उनके परिवार को न्याय भी मिल जाएगा। सरकार पर भी उन्हें भरोसा है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ रहे, उनके न्याय में उनका सहयोग करे। वहीं बलवंत के चचेरे भाई सचिन ने मीडिया से बात कर कहा कि सरकार की नीतियों और सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वह कार्य धीमी गति से हो रही है। इसमें गति देनी चाहिए और जल्द से जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार हुए चाहिए। थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं, जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो, परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकार ही, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं, आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो ये, मेरा ये मानना है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। समाजवादी पार्टी भी क्या इस परिवार की मदद, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों हो गया? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती।
की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी, आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल रेप के मामले थे, ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लाई? ये दो मुद्दे नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई, बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ, कोई जिला नहीं बचा है जहां पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो, जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई है, और जिस तरह झांसी में याद कीजिए पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही, मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें, और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले परिवार को, जो जमीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी जमीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है, न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार परिवार की मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह कोई घटना पहली घटना नहीं है जिसमें पुलिस की वजह से पीट पीट कर किसी की जान गई हो, इसके पहले भी कई मामले हो गए हैं। उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और परिवार के सदस्य के अंदर पिटाई हो रही थी, और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा आखिरकार हुआ क्या, तो पुलिस पीछे के रास्ते उसको लेकर भागी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर।